स्वागत। तो मेरा नाम विपुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज बात करने वाले हैं हम लोग कि आप अपने फोन में फालतू के जो एप्लीकेशन रखते हैं उससे आपके फोन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या नुकसान होता है अपने आपके फोन को, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमन सी बातें हैं जो आपको बताता हूँ, जैसे कि आप अपने फ़ोन में लॉन्चर डाउनलोड कर लेते हैं या बहुत सारे रैम बूस्टर डाउनलोड कर लेते हैं रैम को क्लीन करने के लिए, ये सब होते हैं फालतू के। होता कुछ नहीं है इससे, जो पहले से आपके कंपनी के द्वारा मिलती है, फ़ोन के थ्रू ही मिलता है, फ़ोन के साथ जब आप फ़ोन खरीदते तभी मिलता है, उसी से आप रैम को क्लीन किया करें। फालतू के ऐसे वैसे ये लॉन्चर वो लॉन्चर डाउनलोड करते हैं, कोई झाड़ू लेके उड़ रहा है तो कोई चक्री बन के घूमता है, ऐसा कुछ उसे प्रॉफिट होता नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मत डाउनलोड करिए और अपने फ़ोन को रखिए से। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप एक बुक खोलते हैं और उस बुक को पढ़ने तक जहाँ तक आप पढ़े रहते हैं जिस पेज तक पढ़े रहते हैं वहाँ पे हम लोग मार्क लगा देते हैं, या तो उस पेज को मोड़ देते हैं या तो वहाँ पे रख देते हैं हम लोग कैप वगैरह कुछ भी रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब हम लोग खोलें तो वहीं से हम लोगों को वो बुक खुली हुई मिले, ताकि हम लोग को बार बार शुरू से पेज ना खोलना पड़े। इसीलिए तो ऐसे ही आपके फ़ोन में आप अपने फ़ोन को बूस्ट कर देते हैं तो जो एप्लीकेशन आप खोले रहते हैं, जैसे कि सपोज के लिए हम कुछ व्हाट्सअप ही खोले हैं, फिर हम लोगों को वहीं से अगर आप बूस्ट कर देते हैं तो हमारा रैम जो फ़ोन का होता है वहीं से काम करना चालू करता है, फिर उसको स्टार्टिंग से अपनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वहीं से खुलेगा और रैम पे आपके कम प्रभाव पड़ेगा। और बहुत लोग अपने एप्लीकेशन खोलने बाद इधर स्वाइप कर देते हैं उधर स्वाइप करके हटा देते हैं, ऐसा नहीं करें, वो आपके फ़ोन पे थोड़ा सा ज़रूर प्रभाव डालता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं कहीं से ये देख के या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा या तो कहीं से हमको ये नॉलेज नहीं मिली, बस थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है कि आप लोग इस बात को हो सके तो ज़रूर मानिएगा। आप अपने फ़ोन में बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं जो कि हम लोग के फ़ोन में बिल्कुल यूज़ की नहीं होती, ना तो हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं ना उसको हम लोग पर डे ओपन कर पाते हैं, ऐसे आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, उससे आपका रैम और इंटरनल स्पेस भी भरा होता है और वो इंटरनल स्पेस में कहीं ना कहीं फाइलें बन जाती हैं जो कि दो दो तीन तीन KB लेती हैं और वो MB में बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। अपने फ़ोन को रखिए सुरक्षित, क्योंकि हम लोग फ़ोन खरीदते हैं और उसको चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन यूज़ करें, जैसे 5-6 साल, लेकिन अगर भाई बहुत सारे लोग होंगे कि जो हर वीक या हर महीने या हर साल भी फ़ोन चेंज करते हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, पर हम लोग कॉमन मैन अच्छे से रहते हैं। दोस्तों तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, जय भारत।